चलिए अब एसईओ कोर्स में और आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे एलआईसी कीवर्ड्स। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, और उसके बाद में वो एलआईसी कीवर्ड होते क्या हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कब क्यों हमें इस एलआईसी कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये पूरी सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डोमेन्स हैं वो सभी से रिलेटेड आपको वीडियो यहां पर डे बाय डे डेली बेसिस पे आपको मिलती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ में जो है LSI कीवर्ड्स। सो बेसिकली पहले तो बात कर लेते हैं LSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे L जो है वो स्टैंड करता है आपका लेटेंट, और S स्टैंड करता है आपका सेमेंटिक, और I स्टैंड करता है फॉर दी इंडेक्सिंग। सो बेसिकली यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अभी फुल फॉर्म से भी हमें ये LSI का जो है वो मतलब समझ में नहीं आया, तो चलिए बात करते हैं इसको बहुत एक इजी एग्जांपल लेके समझते हैं कि व्हाट इज LSI कीवर्ड्स, यानी कि LSI कीवर्ड्स होते क्या हैं, इसको जरा समझते हैं एक एग्जांपल लेके। तो अब तक हमने जो भी कवरअप करा है उसके अंदर हमने देखा कि कीवर्ड्स जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर आपको रैंकिंग करवाना है तो उसके लिए LSI कीवर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेज बना रहे हो और वो पेज है आपका अबाउट क्रेडिट कार्ड, राइट। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आप कुछ ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, तो अब ऐसे में क्रेडिट कार्ड आपका एक कीवर्ड है, तो क्रेडिट कार्ड को आप मल्टीपल टाइम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें भी एक लिमिटेशंस होती हैं कि आपकी यूज करने की। लेकिन आपके जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर जो आपका काफी लंबा चौड़ा आप एक सेंटेंस बना रहे, फॉर एग्जांपल 2000 या 3000 वर्ड्स का जो है आप एक पूरा पेज ब्लॉग का राइट कर रहे हैं, तो वहां पे मल्टीपल टाइम सेम कीवर्ड को इस्तेमाल करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ब्लैक हैट SEO की तरफ में डाइवर्ट हो जाता है। अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे यूज किया जाता है LSI कीवर्ड्स का। अब चलिए अब समझते हैं LSI कीवर्ड क्या होते हैं। तो अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, सेम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर सकते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर में ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, और हमारे सेम कॉन्सेप्ट और सेम इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं जो कीवर्ड्स, उनका इस्तेमाल करेंगे। लाइक यहां पे मैं क्रेडिट कार्ड के लिए कर रहा हूं तो मैं मनी वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं यहां पे जो आपका जो क्रेडिट स्कोर की बात कर सकता हूं, मैं यहां पे इंटरेस्ट रेट की बात कर सकता हूं। तो यू कैन सी ये जो भी कीवर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट कार्ड से ही रिलेटेड है। अब ऐसे में जो है ये आपका एक इजी टास्क हो जाता है कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स को आपके एक ही ब्लॉग के अंदर यूज भी कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपके सेम इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट की बात करें तो बेसिकली LSI कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जहां पर हम एक ही कीवर्ड के लिए मल्टीपल कीवर्ड्स जो सिमिलर काइंड ऑफ जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम LSI कीवर्ड्स कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ LSI कीवर्ड। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेसिकली LSI कीवर्ड जो है वो हेल्प करते हैं सर्च इंजिन को टू बेटर अंडरस्टैंड कि जो भी यूजर है वो क्या सर्च करना चाहता है, राइट। उसके सर्च को, उसके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए LSI कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी भी गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं, किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल पे, तो बेसिकली से फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने यहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा, बट अगर आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड पे जाके देखेंगे तो आपको LSI कीवर्ड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारे मल्टीपल आपके पास में 8-10 ऑप्शंस होते हैं जो गूगल खुद ही प्रोवाइड करता है, सो दैट वो यूजर को समझ सके कि वो एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना चाहता है।
तो एग्जैक्टली यहां पे सिमिलर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस का वो इस्तेमाल करके आपको एक कीवर्ड्स का जो है पूरा सेट बना के देता है। ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या कहते हैं, LSI कीवर्ड्स कहते हैं। सो गाइज आई होप कि अब आपको जो है इजीली समझ में आ रहा होगा कि LSI कीवर्ड जो है वो हमें ब्लॉग राइटिंग यानी कि कोई भी पेज को अगर हम राइट कर रहे हैं मल्टीपल कीवर्ड्स को जो है इस्तेमाल करके सेम इंटरेस्ट या सेम टारगेट ऑडियंस को जो है हम किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर हम इस तरह के LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एक और तरह के कीवर्ड्स हमारे पास में बाकी हैं, उसको कवर करने के बाद में विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी प्रैक्टिकल सेशंस, क्योंकि आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि जितना भी मैं ये थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूं इन सब का हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट लेंगे और उसके ऊपर में इस सबको इंप्लीमेंट करेंगे। सो गाइज अगर आपको ये पूरा जो हमारा SEO का जो कॉन्सेप्ट है, SEO का जो कोर्स है जो कि बिगनर से एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स।